friends, subscribe the Ask Macnology channel and hit the bell icon to get all new updates about Ask Macnology's informative videos. अबे क्या हो गया, कैसे परेशान है? अबे यार देखियो, ये इतनी देर से यार इसमें ड्राइंग साइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रही है। इतनी सी बात पता यार क्या करूँ। अबे ये तो एक्सेल में ही बन जाएगी। अच्छा और क्या? माँ कसम। तेरी माँ कसम करियो चलाइट। अबे देख बहुत सिंपल है, यहाँ से शेप सेंटर कर, लाइन ले ले, डैश लाइन ले ले, सर्कल ले ले, सर्कल हाइड कर दे वाला, फिर डैश कर दे और यहाँ से कुछ भी लिख दे, बस ले बन गई तेरी ड्राइंग। सही है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं आज टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेल के ड्राइंग टूल्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने वीडियो का टाइटल रखा है कैड वर्सेस एक्सेल। वो इसलिए आपने देखा होगा, जब हम कोई ऑपरेशन स्टैंडर्ड बनाते हैं या फिर कोई प्रोसेस स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी होती है कि हमें पार्ट में ये डायमेंशंस रिक्वायर्ड हैं और उन्हीं डायमेंशंस को हम ड्राइंग में शो करते हैं। तो प्रोसेस स्टैंडर्ड में ड्राइंग शो करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई ड्राइंग सॉफ्ट में पड़ी है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हम पेस्ट कर देते हैं एक्सेल में, या फिर कोई ड्राइंग हमारे पास हार्ड में पड़ी है तो हम क्या करते हैं, उसे स्कैन करके उसका स्नैपशॉट उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, कई बार हमारा इमेज का आस्पेक्ट रेशियो सही नहीं आता है, उससे ड्राइंग ठीक नहीं दिखती है, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया हम ड्राइंग में शो करना चाहते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल के ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सेल में ही ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सेल में काफ़ी अच्छी ड्राइंग आप क्रिएट कर सकते हैं उसके ड्राइंग टूल्स का यूज़ करके। आप बहुत एडवांस लेवल की ड्राइंग्स नहीं बना सकते, बट हाँ आपका काम चल जाएगा काफ़ी अच्छा। तो आइए बात करते हैं एक्सेल के ड्राइंग टूल्स के बारे में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Come back to the bank. फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एक्सेल की स्प्रेडशीट खोल रखी है। ओके, तो इसके ड्राइंग टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। पहले आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। तो जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शेप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिए तो एक फ्लैग निकल के आएगा। आप जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप की शेप्स आपको दे रखी हैं, लाइंस दे रखी हैं, रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, बेसिक शेप्स दे रखी है, ब्लॉक एरोज दे रखे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ कोई, और मैं अब लेफ्ट क्लिक करके लाइन को ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हैं लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है और ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं आप। मैंने ब्लैक कर दिया इसे यहाँ से, और आप इसके वेटेज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मुझे मोटी चाहिए लाइन ताकि प्रिंट में अच्छी तरह मुझे दिखाई दे, तो ये मैंने मोटी कर दी ये लाइन। ओके, और इसी तरह से डिफरेंट टाइप की शेप्स को हम एंटर कर सकते हैं यहाँ से शेप्स में से। जैसे कि एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं, तो ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया। अब इसके बाद मुझे ये शेप इसकी जो चाहिए वो ब्लैंक चाहिए, मुझे नो फिल कर दिया मैंने इसलिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ब्लैक चाहिए मुझे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसे मोटा कर दिया थोड़ा लेयर को। यहाँ से इसे हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं रेक्टेंगल को। ओके, इसे घुमा भी सकते हो आप, ठीक है, मूव भी कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरा रेक्टेंगल चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये दूसरा रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा सेम। ठीक है, इसे आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, साइड में डाल सकते हैं, इसे फ्रेम बना सकते हैं, मतलब किसी भी तरह के आप ड्राफ्टिंग इसमें कर सकते हैं एक्सेल में इजीली। ओके, इंसर्ट में जैसे गए, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कर्व्स हैं, कर्व्स आप ले सकते हैं। जैसे कि कर्व आपने ले ली कोई भी, उसके बाद आप मिडल पॉइंट से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कहीं पे भी कैसे भी बना सकते हैं इस कर्व को। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे और भी ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे ये फ्री फॉर्म का ऑप्शन है, फ्री फॉर्म आप कुछ भी बना सकते हो जैसा आप कुछ भी बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे एक शेप बना दी है मैंने कोई भी, उसके बाद आप इसे फिल कर सकते हो, जैसे मैंने इसे रेड फिल कर दिया, वो एक्चुअली इसकी आउटलाइन थी मैंने वो रेड कर दी, अब फिल कर देता हूँ इसे येलो से, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम शेप में कोई टेक्स्ट को एंटर करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं उसमें, जैसे कि कुछ भी लिखिए, अभी यहाँ पे वाइट आ रहा है इसे हम ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं टेक्स्ट फिल से आप ब्लैक कर दीजिए,
अभी ब्लैक में आ रहा है, और आप कहीं भी शेप को ले जाएंगे तो ये टेक्स्ट भी इसी के साथ जाएंगे क्योंकि आपने शेप में ही टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप की शेप्स बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक शेप ले लेते हैं, और हम मैंने एक शेप ले ली है, इसे मैंने कर लिया रेड कलर से आउटलाइन, और फिल कर लिया मैंने इसे ब्लू से, ठीक है। अब आप इस पर राइट क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट पॉइंट्स का, आप पॉइंट्स का एडिट कर सकते हैं और इसे रीफॉर्म कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं उस हिसाब से, ओके। जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसे इसके बैकग्राउंड में ले जाऊँ, तो आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ रहा है सेंड टू बैक, सेंड टू बैक पे क्लिक कीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड में चला गया है, ओके। और फ्रेंड्स आप किसी भी शेप को कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आपने कॉपी कर लिया, या फिर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्लस बनाया था कर्सर पे, आप लेफ्ट क्लिक करके इसे खींच सकते हैं और शेप को कॉपी कर सकते हैं, ओके। तो इसी तरह आप और भी डिफरेंट टाइप की शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इंसर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इसे स्प्लाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ क्लिक किया यहाँ क्लिक किया ये स्प्लाइन बन गया, एग्जिट कर दीजिए एस्केप दबा के, तो ऐसे आप स्प्लाइन बना सकते हैं, ब्रेक व्यू बना सकते हैं, और इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप की शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक शेप में दिखाता हूँ, यहाँ पे ये एक बेसिक शेप में एक ये कर्व दे रखी है, तो इस कर्व को आप बनाएंगे तो इसे बनाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसके बाद आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी जितना आप चाहें, ओके। जैसे मैं इसे थोड़ा सा कटा छोड़ना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का कर्व आपको मिल गया, ओके। ऐसी लेंथ ऑफ आर्क को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक प्रोसेस स्टैंडर्ड में कैसे हम ड्राइंग को बनाएंगे परफेक्ट वे में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने प्रोसेस स्टैंडर्ड बना रखा है, नीचे पैरामीटर्स हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ, ठीक है। तो इसकी एक ड्राइंग बनाते हैं हम प्रोसेस स्टैंडर्ड के लिए, तो यहाँ पे कुछ डाया दे रखे हैं, सीडी है उसकी, लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस है, डायमेंशन है कुछ, बोथ साइड रेडियस है, दो प्लेस पे काउंटर बोर्ड डेप्थ भी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले वही इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद शेप पे क्लिक कीजिए, और दोनों तरफ रेडियस है तो एक रेक्टेंगल हम ऐसा लेंगे जिसमें दोनों तरफ रेडियस होगा, तो ये एक मैंने शेप इंसर्ट कर ली यहाँ पे, ओके। अब इसको मैं नो फिल कर देता हूँ, इसके बाद आउटलाइन हम ब्लैक दे देते हैं इसे ऑटोमेटिक करके, और यहाँ से इसकी वेटेज बढ़ा देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि प्रिंट में अच्छा लगे। इसके बाद इसमें सर्कल है, होल है इसमें दो, तो हम सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल हमने एक बना दिया, इसके बाद सर्कल को भी नो फिल कर देते हैं, और शेप हमने ऑटोमेटिक ब्लैक कर रखी है, थोड़ा ऐसे भी मोटा कर देते हैं ताकि अच्छी तरह हमें प्रिंट में दिखाई दे, ठीक है। अब इसके बाद काउंटर बोर्ड इसमें हो रखा है, इसका मतलब इससे भी एक बड़ा सर्कल हमें दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आप दोबारा सर्कल मिल लीजिए, वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी कर लीजिए और थोड़ा सा इसी को बड़ा कर दीजिए, ओके। फिर इसे एरो से आप मूव कर लीजिए, उसके बाद ये दूसरी साइड भी है तो दूसरी साइड भी हम इसे कॉपी कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसके बाद इसे मूव कर लेते हैं दूसरी साइड, इसके सामने इसे मूव कर लिया हमने, तो हमारे दोनों साइड सर्कल्स बन गए, ओके। इसके बाद तो इसमें और कोई डायमेंशन है नहीं, ठीक है, तो चलिए इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं हम। उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन इंसर्ट करेंगे, एक लाइन ले ली मैंने, ठीक है, तो ऐसे करके लाइन ले ली, एक हम थोड़ा ब्लैक कर देते हैं और मोटा कर देते हैं, हल्का सा मोटा कर देते हैं ताकि शो हो हमारी प्रिंट में अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद इसी को कॉपी कर लीजिए दूसरी साइड के लिए, यहाँ पे भी आ गया ये। इसके बाद हमें एरो वाली डायमेंशन दिखानी पड़ेगी, उसके लिए आप एरो भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से एरो इंसर्ट कर लीजिए, डबल साइडेड एरो, ओके। यहाँ से आप दिखा दीजिए फुल इसकी लेंथ,
डबल क्लिक कीजिए इस पर और ये शेप ऑटोमेटिक ब्लैक कर लीजिए, थोड़ा लेयर को मोटा कर दीजिए। ओके, ये हमारे एरोज हो गए। ठीक है, इसके बाद जो डायमेंशन में दे रखी है वो दे रखी है 100। ओके, तो 100 के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लीजिए। आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे और टेक्स्ट बॉक्स दे रखा है हमें यहाँ पे, तो टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इसमें लिख दिया 100 जैसा कि ये दे रखा है, और इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए सिलेक्ट करके। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हमें आउटलाइन नहीं चाहिए इसकी, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और फिल पे आप नो फिल कर दीजिए, तो ये दिखाएगा नहीं अपनी फिलिंग, और आउटलाइन को भी आप नो आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये डायमेंशन हमारी इस पर शो हो गई 100। ओके फ्रेंड्स, जब तक हमारी वो ड्राइंग कंप्लीट होती है तब तक आप ये प्लांट लेआउट देख सकते हैं। ये मैंने प्लांट लेआउट भी MS Excel में ही डिज़ाइन किया है पूरा, जैसे कि ये सारे टूल्स यूज़ करके मैंने इसे डिज़ाइन किया, आप देख सकते हैं। ये जो लीजेंड्स हमने दिखा रखे हैं इसमें रोड्स के, और ये ब्लॉक्स हैं, जोन्स हैं, ये गैंगवे, ये सारा मैंने प्लांट लेआउट एक्सेल में डिज़ाइन किया है। तो इसी तरह से आप भी ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ ड्राइंग कर सकते हैं एक्सेल में ही, आपको कैड में जाने की ज़रूरत नहीं है छोटी मोटी ड्राइंग बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लगभग ड्राइंग कम्प्लीट हो चुकी है, बट यहाँ पे मैंने काउंटर बोर्ड दिखा रखा है, तो ये हमें हिडन दिखानी पड़ेंगी लाइनें, क्योंकि ये बीच में है। तो हिडन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप लाइन पे डबल क्लिक कीजिए। अब ये हमें डैश लाइन दिखानी है, तो यहाँ पे हम इसे डैश कर देंगे, डैशेज में हम यूज़ कर सकते हैं कैसा हमें डैश लाइन चाहिए, तो हमें इस तरह की चाहिए तो क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप सभी लाइनों को डैश कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सारी हमारी लाइन सब डैश हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड साइड पे भी ये काउंटर को हो रखा है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सारी लाइंस को आप सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल दबा के, उसके बाद उसे वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, सिलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके अब इसे मूव कर दीजिए, और मूव करने के बाद सेट कर लीजिए जहाँ पे हमें शो करना है ये हिडन लाइंस को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से हम एक्सेल में ड्राइंग बना सकते हैं शेप्स का यूज़ करके। ओके, आपको सारी शेप्स यहाँ से मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में डिफरेंट टाइप के शेप्स का यूज़ करके और उन शेप्स को एडिट करके। तो फ्रेंड्स, ये सब था एक्सेल के ड्राइंग टूल्स के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे चैनल के अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग एंड बी टेक्निकल।